नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के बिगनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार कन्फर्म कीजिए इज आई ऑडिबल और नॉट, मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वन टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की आज पार्ट नंबर हम 7 में आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि ये रियली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर आपका एनर्जी सेक्टर्स भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, ठीक है। यहाँ पे हम रेलवे के बारे में भी जानेंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने जैसे एनर्जी सेक्टर्स में हमने सोलर एनर्जी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, क्रूड ऑयल पढ़ा, ठीक है, ये सब कुछ हम जान चुके थे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको स्कीम्स भी बताई कि स्कीम्स को हमें किस तरीके से पढ़ना है, ना कि रटना है लास्ट मोमेंट पे, ठीक। तो इस सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट और आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट, इन दोनों टॉपिक की बात करेंगे। इससे संबंधित स्कीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी स्कीम चल रही है, यानी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है सरकार की, क्या इसमें कोशिश कर रही है सरकार इस सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए, और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इन सभी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्स की बात की गई है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में कुछ हो रहा है और आपको बता कुछ और दिया जाए। यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस की बात की गई है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या फिर आपको एक सब्जेक्ट के लिए ही सब्सक्रिप्शन दिया गया, नहीं। जितने भी एजुकेटर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी क्लास को जाके एनरोल कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट लाइव क्लासेस इन योर पॉकेट। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जितने भी 100 प्लस टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं लाइक सुदर्शन गुजर, रोमनाल पटेल एंड रोमन सैनी, इन सभी क्लास को जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के टाइप के, अमाउंट की, ड्यूरेशन की, और कैसे आपको डिस्काउंट मिलता है, सभी की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की। देखिए नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस की फैसिलिटी मिलती है, टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर मैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन की बात करूँ, सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन की बात करूँ, तो आप एक महीने से लेकर 36 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की 12 मंथ के प्लान के साथ, तो इसका अमाउंट 49,500 रुपीज। 24 मंथ्स के लिए जाऊं तो इसका अमाउंट 72,000 रुपीज। 36 मंथ के लिए जाऊं तो इसका अमाउंट 90,000 रुपीज। इन सभी में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग रेफरल कोड दैट इज RSB1। आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चों जो आपको नॉर्मल सब्सक्रिप्शन फैसिलिटी वो तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जैसे आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा अनअकैडमी की ओर से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। डेली बेसिस पर मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ के प्लान के साथ जाते हैं तो अमाउंट 69,500 रुपीज। 24 मंथ के लिए जाते हैं तो ईयर अमाउंट 1,07,000 रुपीज। 36 मंथ के लिए जाते हैं तो ईयर अमाउंट 1,41,000 रुपीज। इन सभी में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफर कोड दैट इज RSB1। आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, आप भी जाके इन क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं थ्रू ऑप्शनल सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जाते हैं तो अमाउंट 27,500 रुपीज। 24 मंथ्स के लिए जाते हैं तो अमाउंट 40,000 रुपीज। 36 मंथ के लिए जाते हैं तो अमाउंट 50,000 रुपीज। इन सभी में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज RSB1। आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस वन इज समथिंग अबाउट मी, ये कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैंने एमटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन में, पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर स्टडी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेरी वीडियो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर का आज पार्ट नंबर है बच्चों, पार्ट नंबर इज 7, यानी इससे पहले हम 6 पार्ट और कर चुके हैं। वहां पे जितनी भी स्कीम्स कराई गई है, ठीक है, उन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे इस साल का जो हॉट टॉपिक मुझे लग रहा है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से आ सकता है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे यूपीएससी पहुंच सकती है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आई विल गिव यू द डिटेल्स, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, किन पॉइंट्स को रख के आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं।
तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले उससे पहले एक बार जान लेते हैं, हर क्लास में हम शुरुआत ये करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। देखिए, जब भी सर्विस का आदान प्रदान हो, यानी सर्विस ट्रांसफर हो दो इंडिविजुअल्स के बीच में, बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच में, बड़ी कंपनीज के बीच में, ठीक है, दो देशों के बीच में यानी नेशंस के बीच में, जब भी सर्विस का आदान प्रदान होगा तो उस सर्विस के ट्रांसफर के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, कुछ बेसिक फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। उन बेसिक फैसिलिटीज को ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे कुछ बेसिक फैसिलिटी की आवश्यकता है, वो बेसिक फैसिलिटी ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। अब बेसिक फैसिलिटी क्या आएगा, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन सेशन ले रहा हूं, तो मेरे पास ये सामने कैमरा होगा, काफी अच्छी लाइट्स होंगी, आपका स्मार्ट बोर्ड होगा, साउंड प्रूफ स्टूडियो होगा, दीज आर द बेसिक फैसिलिटी, और यही बेसिक फैसिलिटी क्या कहलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है, वन इज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकेंड वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और किसी ह्यूमन बीइंग की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग का बढ़ाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका एग्जाम्पल हाउसिंग, ठीक है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या है, ये किसी भी इंसान की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाती है, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, हेल्थ सेक्टर अच्छे से होंगे, ठीक है, घर सबको रहने के लिए घर है, तो दीज आर कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो मैं आपको बता चुका हूं, हम काफी हद तक जो कर चुके कवर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इकोनॉमिक्स की ही बात करूंगा। लास्ट क्लास में हम एनर्जी सेक्टर को ऑलमोस्ट देख चुके हैं, ठीक है, विंड एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, ये हम कोल क्या है, ये सब कुछ हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं, सोलर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, ट्रांसपोर्ट इज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बताइए जरा क्या ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट डाउन। सभी को नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सभी, बताइए। ट्रांसपोर्ट इज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नो मुमताज, इट्स नॉट सोशल, इट्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। जब बहुत अच्छी सड़कें बनने से क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, नहीं, काफी हद तक नहीं। अपने आप को देखिए, आपके लिए जो बेसिक नीड्स है, आप अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, आप एक पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके लिए हॉस्पिटल्स जरूरी है। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को अपलिफ्ट करता है। और जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ता है बच्चों, जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या लेके आता है, जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, क्या लेके आता है, एम्प्लॉयमेंट लेके आता है। और जब नौकरियां मिलती है तो लोगों को क्या मिलती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, यानी कि सबको सैलरी मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों की जेब में क्या आएगा, मनी आएगी, पैसा आएगा, और जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदेंगे, यानी डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की, क्या करेंगे बच्चों, डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा फैक्ट्रीज के अंदर, यानी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर इनकम बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी तो मनी की जरूरत पड़ेगी, मतलब मनी आएगा, मनी मतलब तो मनी होगा तो फिर ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, तो एक साइकिल चल जाएगी, यानी इकोनॉमिक साइकिल रन करेगी, ठीक। तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए साहिल, आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि सर जल्दी से कोर्स करा दीजिए, हर किसी की एक लिमिट होती है, अपना कमेंट्स लिखना आसान है, आपको क्या लगता है ये सब कुछ तैयार करने के लिए क्या 10 मिनट में तैयार हो जाता है। मैं पढ़ता हूं फिर अपने लड़कों को देता हूं, वो लिखते हैं, एक लेक्चर तैयार करने के लिए
60 मिनट का लेक्चर तैयार करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आए। अदरवाइज आपके पास तो बुक है, यू हैव अ बुक्स, आप जाके पढ़ सकते हैं। आप क्यों नहीं बुक से पढ़ते हो? क्योंकि आपको टाइम लगेगा। तो उस टाइम को आसान करने के लिए कि सर जल्दी से तैयार कर दिए, दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, राइट। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, यानी कि ट्रांसपोर्ट इज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले बात करते हैं हम रोड ट्रांसपोर्ट की। रोड के बारे में बात करेंगे कि रोड किस तरीके से क्या योगदान दे रही है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, और भारत में इसकी क्या पोजीशन है और सरकार क्या एक्शन ले रही है। तो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, लगभग 87% पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर्स, जैसे हम लोग हैं, हम जाते हैं सुबह को अपने घर से निकलते हैं ऑफिस जाते हैं, तो 80% लगभग पैसेंजर रोड का इस्तेमाल करते हैं, और 60% मालवाहक, जिससे माल ढोया जाता है, वो भी सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, याद रखिए भारत में, भारत के साथ दिक्कत यही है, भारत में 87% लोग बाग सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, और माल ढोने के लिए 60%, जबकि जो यूरोप कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पे 40% तो बच्चों केवल 40% लोग बाग पैसेंजर जो होते हैं वो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, और जो मालवाहक है वो भी क्या करते हैं, 40% से कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूसरे संसाधनों पे डिपेंड करते हैं, माल ढोने के लिए भी और पैसेंजर्स भी क्या करते हैं, रोड का कम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी देश डेवलप है इसकी जानकारी पता लगता है वहां पे रोड फैसिलिटीज, रोड का कितना इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अंदर रोड्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते हैं सड़कें बन के तैयार नहीं होती, ट्रैफिक बड़ा जबरदस्त आता है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग बाग क्या रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। जो गवर्नमेंट से जो इनिशिएटिव्स ले रही है, गवर्नमेंट चाह रही है, आपने सुना कि फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, अभी पढ़ाऊंगा आपको फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में, रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो सरकार चाह रही है कि जो सड़कों पे जो ओवरलोडेड क्राउड है, जो सड़कों पे भीड़ आ रही है, उसको शिफ्ट किया जाए, ठीक है। अभी दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट चल रहा है, उस चल चुका है, उस पर काम भी हो रहा है। सरकार चाहती है कि सड़कों पे लोग ना रहे, सड़कों पे जो जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसको कम करना चाहते हैं। और मैंने बताया ना 87% लोग बाग सड़कों पे हैं, सड़कों का यूज करते हैं, जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो केवल 40% है। तो इट्स मीन सड़कों पे ट्रैफिक ज्यादा है, सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, अमेरिका के बाद भारत में, भारत सबसे बड़ा, अमेरिका नंबर वन पर है, नंबर दो पे क्या है आपका इंडिया है, अमेरिका के बाद जो भारत है वो सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है। देख रहे हैं आप, चाइना भी, चाइना को भी हमने पिछाड़ रखा है, लेकिन ये कोई खूबी नहीं है भारत की कि हमने चाइना को पीछे रखा है। चाइना जो है दूसरे, उसने अपने क्राउड को दूसरे सेक्टर पर डिपेंड कर रखा है, लाइक जो आपके रोड पे नहीं, उसने रेलवे पे शिफ्ट किया हुआ अपने लोगों को, जो पैसेंजर से रेलवे पे शिफ्ट किया है, ठीक है। उन्होंने अपने अपने फ्रेट को भी, जो माल ढोती है, माल ट्रकों से नहीं धोया जाता, सड़कों का इस्तेमाल नहीं होता, ट्रेन के थ्रू करा जाता है। तो ये यूएस के बाद नंबर वन यूएस है, नंबर दो पे हमारा जो जो हम रोड जो नेटवर्क है, दैट इज द रोड नेटवर्क, ठीक। अब किस कितने तरीके की रोड है, टाइप्स ऑफ रोड की अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, टाइप्स ऑफ रोड इंडिया एंड देयर शेयर, देखिए पहला है रूरल रोड, यानी ग्रामीण, जो कच्ची सड़कें हैं, जो कच्ची सड़कें आप देख रहे हैं, अगर आप यूपी के बहुत सारी जगह पर हैं, बिहार में, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट जाते सभी स्टेट्स में गांवों के अंदर आधी कच्ची सड़कें हैं, तो 70% लगभग 70% सड़कें जो हैं वो रूरल रोड्स पे आती है। दूसरा अर्बन रोड्स केवल 9%, ये बहुत अच्छे से इस टेबल को आप देख लीजिएगा, और जब आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उससे एक बार मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे पा जाता है इकोनॉमिक सर्वे से, एक बार मैच कर लीजिएगा। अर्बन रोड के अंदर 9% आपका अर्बन रोड्स में आती है। प्रोजेक्टेड रोड्स, ठीक है, जो वो है केवल 6% आपकी, ठीक है, आपकी अदर्स पीडब्ल्यूडी रोड्स, जो पीडब्ल्यूडी बनाती है स्टेट्स में, वो 10% है बच्चों। स्टेट हाईवे आपके 3% है, और नेशनल हाईवे केवल 2% है। समझ रहे हैं आप, नेशनल हाईवे देखना, हमने जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं जैसे NH-58 है, नेशनल हाईवे, वो केवल उनका जाल केवल भारत के अंदर 2% है, सबसे कम नेशनल हाईवे है, उसके बाद स्टेट हाईवे है,
फिर आपका पीडब्ल्यूडीबी रोड है, फिर आपका प्रोजेक्ट रोड है, अर्बन रोड है और रूरल रोड है। सबसे ज्यादा रूरल रोड है और सबसे कम आपके नेशनल हाईवेज है भारत के अंदर। राइट, क्लियर आपको? इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। नेशनल हाईवे आर मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, जो नेशनल हाईवे है, आपने सुना है नेशनल हाईवे आर मैनेज, जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे, इनको नेशनल हाईवे को कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी थ्रू NHIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, इनको जितने भी नेशनल हाईवेज है उन सभी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एक्सप्रेस वे आर पार्ट ऑफ नेशनल हाईवेज। जो एक्सप्रेस, जैसे आपने यमुना एक्सप्रेस वे सुना है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, दीज जो एक्सप्रेस वे है ये भी इसके नेशनल हाईवे के ही पार्ट है। ये नहीं कि नेशनल, जैसे N58 है, नहीं, ये गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक, जो स्टेट हाईवे है, ठीक है, स्टेट जो हाईवे होता है बच्चों, उन स्टेट हाईवे को फाइनेंस कौन करता है और मैनेज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, जो भी जितने भी स्टेट हाईवेज हैं। ठीक है, उन जैसे स्टेट हाईवे 81 है, ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में आप क्या, आपको एक पूरा एक मैप दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैप के थ्रू, पहले लेक्चर में आपको जो मैंने 50 पॉइंट्स दिए हैं उसमें आपको मैप के थ्रू देखना है कि कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं, कौन से नेशनल हाईवे 1 है या कुछ और नाम से बोला जाता है क्या। ठीक है, तो ये आपको नेशनल हाईवे मैप में बना लीजिए पूरा, और कौन कौन से नेशनल हाईवे, कौन कौन से स्टेट हाईवे है, जितने भी स्टेट हाईवे हैं उनको फाइनेंस कौन करता है और मैच कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है थ्रू पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी, हर स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वो पीडब्ल्यूडी क्या करता है? उन सड़कों को मैनेज करता है, उन सड़कों को बनाता भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र। याद देखिएगा, महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ बोथ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। ये एक अच्छा फैक्ट है, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है बच्चों और सबसे ज्यादा आपका स्टेट हाईवे है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा स्टेट है जिसके अंदर जाल बिछा हुआ है नेशनल हाईवे का और स्टेट हाईवे का। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सरकार क्या क्या एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, सरकार इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड का जाल है, जो रोड का ढांचा है, इसको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, उन सबकी बात करते हैं। तो पहला है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था बच्चों NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1998 में शुरू किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या भी बताता हूं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1998 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अभी क्या हुआ बच्चों, 2018 के अंदर, 2018 में ये जो NHDP जो प्रोग्राम है, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? भारतमाला प्रोग्राम में। यानी कि वही, एक बार एक स्टूडेंट ने कहा था, पुरानी बोतल में नई, कुछ ऐसे बताया था, मैं भूल लूं क्या नाम था, पुरानी बोतल के अंदर नया माल, कुछ ऐसे। तो ये NHDP नेशनल जो हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको ही कन्वर्ट कर दिया गया, इसका नया नाम दे दिया गया भारतमाला प्रोग्राम। बेसिकली नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, इसके मेन फंक्शन थे कि अपग्रेड करना हाईवेज को, ठीक है, रिहैबिलिटेट एंड वाइड मेजर हाईवेज इन इंडिया टू ए हायर स्टैंडर्ड्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करना, ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाना, सड़कों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखना। ठीक है, तो ये किसका काम था? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य था। ठीक है, जिसको जो आपका NDA गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, इसका नाम बदल दिया भारतमाला प्रोग्राम, और कहते हैं कि वो, हाँ, पुराने डब्बे में नई मिठाई, या ठीक है, नहीं, हाँ, कुछ ऐसी, पुराने डब्बे में नई मिठाई, या नए डब्बे पुरानी मिठाई। ठीक है, नए डब्बे के अंदर पुरानी मिठाई, तो ये कुछ नहीं है, जो भारतमाला प्रोग्राम है, दिस इज नथिंग, दिस इज द NHDP का ही नया नाम दिया गया है। ठीक है, जो 1998 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, जिनका मेन मकसद था कि भारत के अंदर गुड क्वालिटी रोड हो, बाद अच्छी सड़कों का जाल बिछे। ठीक, चलिए, जैसे इसके अंदर आया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आया था, ठीक है,
जो नेशनल बेस पे था, तो ये इसके अंदर आए थे। नेक्स्ट अब आते हैं भारतमाला परियोजना के, ये थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो भारतमाला परियोजना के बारे में जानते हैं कि क्या है भारतमाला परियोजना। ठीक, तो भारतमाला परियोजना का मकसद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अबाउट 26,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक मतलब इस तरीके के लगभग 26,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, मतलब सड़कें बनानी है जिससे क्या हो, मतलब इस तरीके से सड़क बनानी है जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाए। 26,000 किलोमीटर लंबी आपको सड़कों का जाल बनाना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है, 26,000 किलोमीटर आपको क्या बनाना है, 26,000 किलोमीटर की लगभग आपको सड़कें बनानी है जो इकोनॉमिक, जिनको इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है। इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब ऐसा कॉरिडोर जो क्या करे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिंग रोड्स, इसके अंतर्गत रिंग रोड बनाए जाएंगे, बाईपास एंड एलिवेटेड कॉरिडोर्स टू डीकॉन्गेस द ट्रैफिक पासिंग थ्रू द सिटीज। देखिए रिंग रोड और बाईपास में क्या अंतर होता है बच्चों, थोड़ा सा वो क्लियर कर दे, जस्ट मिनट, कल दबा दिया। देखिए रिंग रोड और आपका, द डिफरेंस बिटवीन रिंग रोड एंड देखिए रिंग रोड में और आपका इसमें क्या अंतर होता है, मान लीजिए एक सिटी है, ठीक है, अगर सिटी से मान लीजिए कोई रोड पहले सिटी से अंदर जा रही है, ठीक, तो क्या होता है नंबर जो ट्रैफिक होता है वो बढ़ जाता है, तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए अगर सिटी से बाहर से निकाल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड योर बाईपास। एक नए आजकल फंडा और चलाया, दैट इज रिंग रोड। रिंग रोड में क्या होता है, अब क्या होता है बाईपास में क्या होता है, इसी से ही जाने का रास्ता होता है, इसी से आने का होता है, ठीक है, तो ये हो गया बाईपास। रिंग रोड में क्या करते हैं, सिटी होगी आपकी, जाने के लिए ऐसे रास्ता कर देंगे, आने के लिए ऐसा कर देंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक रिंग की तरह बन गया, तो दैट इज का रिंग रोड। ठीक है, सिटी को क्या कर दिया, आने के लिए जाने के लिए रिंग बना दिया, दैट इज रिंग रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है आपका, जो भारतमाला परियोजना है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू एनहांस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ फ्रेट मूवमेंट। देखिए ये भारत सरकार चाहती है कि लॉजिस्टिक जो आपका जो माल जिसे ढोता है, जो आपका कोरियर फैसिलिटीज है, ठीक है, माल जो ढोया जाता है उस पर सरकार बहुत काम कर रही है, और सरकार बना रही है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको हो सकता है मेंस में लिखने को आ जाए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इनका मेन फंक्शन क्या है कि लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़े, जो आपके वेयर हाउसेस हैं उनका रेंट सस्ता हो, ठीक है, और जो व्हीकल्स हैं, जिन व्हीकल से माल होता है वो पॉल्यूटेड फ्री हो, एनवायरमेंट के लिए अच्छे हो, ठीक है, रेंट कम हो, किराया कम हो, ठीक है, जब किराया कम होगा तो सस्ते दामों में माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक है, दीज आर कॉल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक मॉडल पार्क। ठीक है, ये सरकार के बहुत बढ़िया उद्देश्य, बहुत बड़ा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है फेस वन, ठीक, फेस वन क्या है, फेस वन के तहत क्या किया गया, अभी जो भारतमाला परियोजना है इसका जो फेस वन है उसमें क्या किया गया है, भारतमाला परियोजना के लगभग जो टारगेट रखा है डेवलप करने के लिए 34,800 किलोमीटर रोड, ठीक है, 34,800 किलोमीटर रोड को टारगेट रखा गया है कि इतनी रोड बनाई जाए, 34,800 किलोमीटर ये टारगेट रखा है किसमें, भारतमाला परियोजना में, ठीक है, शुरुआती दौर में रखा था 26,000 किलोमीटर, लेकिन फेज वन में अब जो शुरुआत हो रही है भारतमाला परियोजना में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का इसका उद्देश्य है, 34,800 का, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतमाला परियोजना, ठीक है, सरकार इस पर काम कर रही है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक, कि और दूसरा इसके लिए इस पे थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा आज क्या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ अभी तक ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे नहीं है, लेकिन सरकार बहुत काम कर रही है इस पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, यानी कि क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो लॉजिस्टिक है, और मोदी जी हर बार बोलते हैं कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अच्छा करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अच्छा करना है, ठीक है, हमारा उद्देश्य अच्छा करना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर जब लॉजिस्टिक एक अच्छा पॉइंट है,
तो लॉजिस्टिक फैसिलिटी आज भी भारत के अंदर अच्छी नहीं है, ठीक है। कोरियर पता लगा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अंदर कोई प्रोडक्ट पैकेट भेजने लगेंगे तो आपको कई कई दिन वेट करना पड़ता है, तो क्यों उसके उससे इम्पैक्ट पड़ता है आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे। तो इसी की वजह से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पास की शुरुआत की है भारत सरकार ने, तो बहुत अच्छे से। आज कल भी एक ही ने बच्चे किसी ने मुझे रिवर्ट किया टेलीग्राम में, आपको लिखना है, ठीक लिखना है आज भी इस पे कम से कम एक पेज लिखिएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पे। कॉपी मत कीजिए, पहले पढ़ लीजिए, तरीका हमेशा लिखने का ही होता है। अब क्या कीजिए, गूगल से पढ़िए, किसी बुक से पढ़िए, कहीं से भी कहीं पे आपको मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप 10 मिनट उसको क्या सोचते हैं उसको सोचिए और फिर खुद से लिखिए। जैसा भी आप लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं तो गुड है, गलत लिख रहे हैं तो गुड है, लिखिए पर शुरुआत कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेतु भरतम, ये एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 2016 में लॉन्च किया गया था बच्चों, 2016 में लॉन्च किया गया था। इट्स इज एम टू मेक ऑल नेशनल हाईवे फ्री फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग 2019 तक, ये टारगेट रखा गया था, खैर अभी पूरा नहीं हुआ। सेतु भरतम के तहत कि 2019 तक जितने भी रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाए, फ्री किया दिया जाए। कैसे, आपने देखा सड़क से जाते हैं आप, सड़क पे क्या होता है, आप ट्रैफिक ज्यादा क्रॉसिंग हो जाती है, मतलब रेल पास हो रही है तो वो बंद कर देते हैं, फाटक बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है लंबे लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो क्या किया गया, ये जो सेतु भरतम है इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया, इस स्कीम के तहत द स्कीम इन्वॉल्व्स अ प्लान फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवेज बाय रेलवे ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज। यानी कि जो रेलवे लाइन है ना आपका, जैसे मान लीजिए रेल, ये रेल की पटरी गुजर रही है, ठीक है, तो इसके या तो इसके ऊपर से ले जाओ, या आपने देखा होगा कि आजकल कुछ गांव के अंदर या कुछ लोकल एरियाज में नीचे से, ठीक है, अंडरपास बना रही है। अब वो अंडरपास इस तरीके से बना रही है ये सेतु भरतम के तहत, जब बारिश होती है ना तो उस अंडरपास से किसी की हिम्मत नहीं होती, फिर वो पटरियों पे से ऊपर से जाता है क्योंकि इतना पानी भर जाता है उनके अंदर। वो बना तो दिए अंडर क्रॉसिंग, लेकिन पानी कैसे, उस पानी की निकासी होगी इस पर किसी का ध्यान नहीं है, ठीक। तो ये सेतु भरतम के तहत ये काम चल रहा है, 2016 में लॉन्च की गई थी, 2019 तक टारगेट रखा था कि पूरे भारत को जो आपके जो रेलवे क्रॉसिंग्स है इनको क्या करना है, इसको फ्री कर देना है, हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे, ऑल नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग बाय 2019। अभी क्या पूरा नहीं हुआ है, सरकार ने टारगेट रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको जगह दिया है क्योंकि इसके तहत बच्चों नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम हो रहा है, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे पुरानी सरकारों का कम ध्यान गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक टूरिज्म के लिए बहुत जबरदस्त एरिया है, ठीक है। टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलता है तो टूरिज्म सरकार को रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जीएसटी 28% है, 28% तो सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को लगभग 70 के दशक से पहले तो नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट के लिए खुला नहीं था, 70 के दशक के बाद जैसे नॉर्थ ईस्ट को ओपन किया गया, लेकिन आपने फॉरेनर्स के लिए ओपन कर दिया, टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया, लेकिन टूरिज्म के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो है सड़कें, सड़कों का जाल आप नहीं अच्छा बना पाए। आपको दिल्ली से चेन्नई जाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना आपको कलकत्ता से आपके त्रिपुरा वगैरह इन एरियाज में जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहां रोड फैसिलिटीज नहीं है, रेलवे फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक बजट चला रही है, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी रोड का जाल बिछा रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो याद रखिए क्या है, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां पर, किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वही यूपीएससी करती है, तो वो बोल चुके हैं इस पे ना, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, इसका उद्देश्य था, पहले तो आप में से मुझे कितने लोग बता सकते हैं चार धाम के नाम, कितने लोग बता सकते हैं, कितने स्टूडेंट चार धाम के नाम बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट है। चार धाम यहां पर लिखा है, चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। क्या ये वास्तव में चार धाम है, प्लीज गिव मी द नेम। बताइए
बद्रीनाथ केदारनाथ साहिल बोल रहे हैं, मुमताज के लिए नहीं पता है, पता होना चाहिए। मैं बात रिलीजियस की नहीं कर रहा हूँ, यू आर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि चार धाम कौन से। देखिए चार धाम कैसे होते हैं, मतलब जो चार डायरेक्शन है ना, ऐसे ये भारत का मैप है, एक ये, दो, तीन, चार। पहला है आपका बद्रीनाथ, वॉज द फर्स्ट चार धाम बद्रीनाथ। दूसरा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, और इधर आपका द्वारकाधीश। तो ये आपको चार धाम है ये। तो अगर आ गया क्वेश्चन कि चार धाम महामार्ग विकास परियोजना इज रिलेटेड टू बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, नहीं, उत्तराखंड के जो चार धाम है उन पे सड़कों के जाल की बात की गई है कि कितना 889 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना है। ठीक है, ये 2016 के अंदर ये परियोजना लॉन्च की गई थी। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि 889 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे विद मिनिमम विड्थ ऑफ 10 मीटर्स, मतलब 10 मीटर चौड़ी होनी चाहिए सड़क कम से कम, क्योंकि एक साइड पहाड़ होते हैं एक साइड खाई होती है, तो आपको इस तरीके सड़क बनानी है कि कम से कम 10 मीटर चौड़ी हो, क्योंकि दो वाहन आपस में क्रॉस कर सके। ये उनका उद्देश्य था। एट एन अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़, लगभग 12,000 करोड़ इसका टारगेट रखा गया था। ठीक है, कौन कौन से चार धाम थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, अब केदारनाथ फिर आपने पढ़ा है, क्योंकि आप वो पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी के अंदर कि गंगा कहां से निकली है। ठीक है, और यमुनोत्री और यमुना कहां से निकली है, तो फिर आप वो पढ़ते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, पता लगा गंगा का दीदी गंगा द ओरिजिन ऑफ गंगा, आप खुश हो जाएंगे। नीचे एक लाइन दीदी कि चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंदर 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। अब आप सोचेंगे यार ये 10 मीटर तो कोई फैक्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर गड़बड़ है। चार धाम ये यूके उत्तराखंड के, यूके मतलब उत्तराखंड के चार धाम की बात की, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ना कि आपके। अच्छा को मत, यह एक क्वेश्चन और यहां इंपोर्टेंट बन सकता है कि जो आपके चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत वो कौन कौन से धाम है, वो कौन कौन से रिलीजियस जगह है जो वास्तव में यूके के चार धाम से और आपके पूरे नेशन के चार धाम से कॉमन है। तो यह द ओनली इज बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ है, याद रहेगा बद्रीनाथ इज द ओनली चार धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश, जबकि आपके यूके के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज लीप। लीप क्या है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम। मैं क्या बोलूं बच्चों, ये बहुत अच्छे से आप इसको रट लो, इस पे आएगा क्वेश्चन मेंस में। एक तो मुझे जो लगता है, एक तो आएगा रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे, रेलवे को प्राइवेट करने के चक्कर की बात आएगी, उस पर पूछ सकती है, आपके फैक्ट पूछ सकते हैं कि इज इट गुड और नॉट। दूसरा ये जो आपका जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ये मल्टी मॉडल जो पार्क बन रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बन रहे हैं, इस पर सवाल पूछ सकता है। तो लीप जो है, व्हाट इज लीप, लीप क्या है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम है लीप। इट इज एम टू बूस्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बाय सेटिंग अप टू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मतलब किसी भी तरीके सरकार चाहिए कि लॉजिस्टिक फैसिलिटी अच्छी हो, लोगों को, आम जनता को सस्ते दाम में माल मिल जाए, भाड़ा सस्ते दाम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए और जल्दी पहुंचे, क्विक पहुंचे, फास्ट रिस्पॉन्स हो। ठीक है, और जो कंपनी लॉजिस्टिक्स में लगी हुई है उनको भी प्रॉफिट हो, मतलब दोनों साइड का फायदा हो। एक थ्योरी होती है विन विन थ्योरी, यानी दोनों साइड का फायदा, तो लॉजिस्टिक्स कंपनी को भी फायदा हो और जो इनकी सर्विस ले रहे हैं उनको भी फायदा हो, दोनों साइड्स को फायदा हो। तो उसमें क्या है, लीप परियोजना, याद रखना लीप जो है, लीप क्या है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को क्या करने के लिए, बूस्टअप करने का इनका उद्देश्य है। प्लीज ना इसको नोट डाउन कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया। ठीक, बड़ा शोर मचा आपने फेसबुक वगैरह पे, जो सोशल मीडियाज हैं वहां पे देखा है, वो आती है वीडियो, किसी ने अपनी बाइक खड़ी करके आग लगा दी क्योंकि उसका उसे पेनल्टी इतनी तकड़ी लगा दी। ठीक है, हेलमेट का चार्ज पेपर नहीं थे उस पर इतनी पेनल्टी लगा दी। तो ये क्या है, द
दिस हैज अमेंडेड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो 1988 में जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया, द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? इट हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेनल्टीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड ऑफेंसेस। जो आप ट्रैफिक से संबंधित जितने भी अपराध थे, उन अपराध पे जो लगने वाली पेनल्टीज थी उनको कई गुना बढ़ा दिया गया है, कई गुना, 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 10 गुने से ज्यादा। समझ रहे बच्चे? 10 गुने से। तो बहुत वीडियोस आई सोशल मीडिया पे, पेनल्टी रिगार्डिंग मोटर व्हीकल इज टू इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, ठीक है, और हर साल। अब हर साल जो पेनल्टी बढ़ेगी वो 10% के रेट से बढ़ेगी, यानी हेलमेट पे अगर हेलमेट पे इस साल 10,000 रुपए लगता है, सॉरी 10,000 बोल गए, 1,000 रुपए लगी पेनल्टी हेलमेट ना पहनने पे, तो अगली बार 1,000 में 10% और जुड़ जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1,100 रुपए पेनल्टी लगेगी हर साल, एवरी ईयर 10% का इजाफा होगा। अब इससे पता नहीं सरकार को फायदा होगा कि किसी और को फायदा होगा, ये खैर आप देख सकते हैं। न्यू पेनल्टीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सच एज ओवरसाइज व्हीकल्स, अगर आपने ओवरसाइज व्हीकल है, ठीक है, ओवरसाइज व्हीकल है अगर आपके, उस पे पेनल्टी लगती है। नॉट प्रोवाइडिंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स, अगर इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं दिया गया, अगर इमरजेंसी, मान लीजिए एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को अगर नहीं रास्ता दिया तो पेनल्टी लगेगी, किसके अंदर? मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के, 1988 जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसके अंदर नहीं लिखा था। तो दो तीन चीजें इसमें ऐड की गई, नंबर एक तो ओवरसाइज व्हीकल, ठीक है, आपने देखा होगा ट्रक वाले क्या कर लेते हैं, खूब ऊपर तक सामान भर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं आजकल ट्रैक्टर्स पे क्या होता है, ट्रैक्टर्स देखते हैं ट्रैक्टर का साइज आगे छोटा होता है, जो पीछे ट्रॉली लगती है उसका साइज ना बड़ा हो जाता है, तो ओवरसाइज वहां पेनल्टी लगेगी। अगर इमरजेंसी जो व्हीकल्स है, लाइक आपके जो फायर, जो सीज फायर्स के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है, वो आपकी क्या नाम, जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उनको अगर आपने नहीं रास्ता दिया, ठीक है, तब आप पे पेनल्टी लगेगी। इसके अंदर ऑफेंस बाय जुवेनाइल्स एटसेट्रा, अगर कम एज के बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने बाइक दे दी तो उनके माता पिता के ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, अगर छोटे बच्चों को व्हीकल्स दे दिया, गाड़ी चलाने को दे दी तो किसके, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत उनके पेरेंट्स पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द एक्ट इंक्रीज द मिनिमम कोरेस्पोंडेंस फॉर हिट एंड रन एक्स केसेस, अगर यहाँ पे कहा गया, अगर कोई मतलब हिट एंड रन केस के, मतलब जैसे आपको हिट एंड रन वाला पता ही होगा, मार के भाग गया था, खैर बेल मिली हुई है आजकल, तो इससे पता लगता है कि भारत की जुडिशियल क्षमता के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक। तो अगर हिट एंड रन वाला केस है, हिट एंड रन वाला केस है, तो अगर डेथ हो जाती है तो वहां पे 25,000 से लेकर कितना 2,00,000 तक का फाइन लग सकता है, और अगर इंजरी हुई है, चोट लगी है, मतलब कोई गाड़ी में बैठा है, गाड़ी की स्पीड बढ़ा रखी है या ड्रिंक की हुई और टक्कर मार गया और भाग गया, तो उस पे 25,000 से लेकर 2,00,000 तक जुर्माना लग सकता है, और अगर जो सामने वाले को ज्यादा इंजरी आई है, डेथ केस में था 25,000 से लेकर 2,00,000, और अगर चोट लगी है तो उसको 12,500 से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है, इन द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर ये सरकार ने बच्चों एक्शन लिया है। क्लियर आपको, इज इट क्लियर और नॉट? 8,000 का चलान बना था मेरे दोस्त, हाँ बहुत तबीयत से पैसे उछाले उन्होंने। क्लियर है आपको, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसी के अंदर है, द न्यू बिल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर फॉर रिकॉल ऑफ डिफेक्टेड मोटर व्हीकल्स विच मे हार्म टू द एनवायरमेंट और द ड्राइवर और द अदर रोड यूजर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये आया ना मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह कही गई कि ऐसे व्हीकल्स जिससे ड्राइवर को भी नुकसान हो, ठीक है, जो सड़कों पे बाकी लोग चल रहे हैं उनको भी नुकसान हो और एनवायरमेंट को भी नुकसान हो, ऐसे वाहन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिकॉल कर सकती है, मतलब उनकी क्या कर सकती है, टाइम एंड लिमिट लगा देगी और उसको क्या कर देगी, बंद कर देगी या जब्त कर सकती है अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड टू बी क्रिएटेड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, वो बता रहे थे, पर एक एड भी चल रहा था न्यूज टीवी में आता था कि रोड सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, रोड सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। तो रोड सेफ्टी के लिए बच्चों एक बनाया गया नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, जो एनकरेज करती है स्टेट गवर्नमेंट को भी कि आपको इस तरीके से प्रमोशंस करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, लोगों तक पहुंच बननी चाहिए ताकि लोग जो है रोड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल कर सके। ठीक, नेक्स्ट इज द एक्ट, ये जो आपका रोड अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये मोटरसाइकिल अमेंडमेंट एक्ट आया है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए स्कीम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स। ये गोल्डन आवर क्या बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट, गोल्डन आवर क्या, मान लीजिए किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो एक्सीडेंट होने के बाद जो उस शुरू का एक घंटा होता है वो किसी भी पेशेंट्स के लिए गोल्डन आवर बोलते हैं, क्योंकि बहुत से भारत में बहुत से लोगों की जो डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में कि उनके शुरुआती एक घंटे के अंदर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग देखते हैं क्यों तू इसको हॉस्पिटल में लेके जाए, अगर तू ले गया तो हॉस्पिटल वाले तेरे से पैसा मांगेंगे, तो नहीं, वहां पे अब कैशलेस, क्या रोड एक्सीडेंट में माना इस एक्ट के तहत एक स्कीम शुरू की गई है, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स। ठीक है, शुरुआती एक घंटे में अगर आप कहीं ले गए हॉस्पिटल में तो पैसा नहीं मांगा जाएगा, आपसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा उस बंदे को। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर द एक्ट रिक्वायर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड टू प्रोवाइड कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर इन द इंडिया। ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज इसके सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत शोर मचा है इस पे ना, आपके जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बनता है ये कि पहले वाले बिल के अंदर क्या चीजें नहीं थी वो मैंने आपको बता दी, अब क्या ऐड किया गया है। ठीक है, उन सबको पेनल्टी 10 गुना बढ़ा दी गई, 10 गुना हर साल बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर एक आपका फंड की बात की गई है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की बात की गई है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की इसके अंदर बात की गई है, गोल्डन आवर की बात की है, कैशलेस इंश्योरेंस की बात की गई है। ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, चले आगे बढ़े, नाउ क्लियर, क्लियर आपको। चलिए अब बात करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, छुप छुप करके आती है ना गाड़ी, आजकल थोड़ा बंद है अभी, कुछ जगह चली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले मंथ तक सब स्टार्ट हो जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुछ करो ना करो लेकिन रेलवे, अगर आपको लगता है प्री क्लियर हो जाएगा, इस बार प्री क्लियर हो जाएगा तो तैयार कर लीजिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट यानी कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से आपको सवाल देखने को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और जिनको लगता है कि नहीं क्लियर हो पाएगा प्री, उनसे रिक्वेस्ट है कल 2:30 पर, 2:30 पर मेरी क्लास आएगी दोपहर में अनअकैडमी ऐप पर, उसको देख लीजिएगा, 4 घंटे डेली पढ़कर कैसे आप 75 डेज में इस प्री को क्लियर कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, 4 घंटे डेली पढ़कर, कल से अगर आपने कल देखी परसों से पढ़ना शुरू कर दी, 4 घंटे टाइम टेबल आई विल गिव यू, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, केवल 4 घंटे, खूब व्हाट्सएप चलाओ, खूब फेसबुक चलाओ, खूब रात को फोन करो, जहां तुम्हें करने कोई नहीं रोकेगा, 4 घंटे विद फुल कंसंट्रेशन 75 डेज पढ़ लो, प्री क्लियर हो जाएगा आपका, कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, भारत में लगभग इंडिया रेलवे विद ओवर 68,000 रूट किलोमीटर इज द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड अंडर सिंगल मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट के अंतर्गत लगभग 68,000 किलोमीटर रेल लाइन को, मतलब रेलवे जो है लगभग 68,000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, रूट कवर करता है, और वो भी एक सिंगल मैनेजमेंट के अंतर्गत, समझ रहे हैं आप। दूसरा, इट इज वर्ल्ड द लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पैसेंजर जो है इसके अंदर जाते, पैसेंजर को होता है सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे, वर्ल्ड लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर एंड फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है,
ये इसमें हम नंबर वन जिस दिन हो जाएंगे, समझ लीजिए इंडिया विल डेवलप, भारत डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि आज भी हम काफी हद तक अपना जो माल ढोते हैं, ठीक है, वो रोड के थ्रू, रोड ट्रांसपोर्ट के तहत यूज करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जबकि रेलवे ज्यादा यूज होना चाहिए। जितने भी डेवलप्ड नेशन है बच्चों, वो मैक्सिमम फ्रेट के लिए रेलवे का यूज करते हैं। तो भारत अभी फोर्थ पोजिशन पे है। इस रेलवे जो मिनिस्ट्री है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इसके अंदर 14 अंडरटेकिंग कंपनीज है, यानी 14 पीएसयू के अंतर्गत काम करती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो रेलवे के, रेलवे देखिए रेलवे एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत कितनी है, लगभग 68,000 किलोमीटर जो हम रेलवे है नेटवर्क कंप्लीट करता है, ठीक है, उस 68,000 के लिए केवल एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर 14 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, 14 पीएसयू है जो पूरे इस नेटवर्क का देखरेख करती है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस RDSO इज द R&D विंग्स ऑफ इंडियन रेलवे। बच्चों मैंने इसलिए इसको जगह दी है कि इस बार आपकी जहां हिंदू के अंदर इसका 2-3 बार जिक्र हो गया है, किसका, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO इज द R&D विंग ऑफ इंडियन रेलवे। क्योंकि वो जो कोच पे काम चल रहा है ना आजकल, कि आपके वो लोग उस लोग इस तरह का कोच बना रहे हैं, इस तरह का कोच बना रहे हैं, वंदे भारत में आया था, तो उस समय ये आपके द हिंदू में कई बार इसका डिस्कस किया गया। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO इज द R&D विंग ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये भी आप देख लीजिएगा, अगर पूछ लिया उसने RDSO क्या है, तो ये क्या R&D विंग है आपका इंडियन रेलवे का, यानी भारतीय रेल पे अगर अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेडेशन, क्योंकि भारतीय रेलवे जो है इसके साथ दिक्कत क्या है, बहुत ज्यादा पुरानी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा पुरानी टेक्निक है, तो इसको सुधारने के लिए या तो एक तरीका ये है कि हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी लें, वो ले ही रहे हम, ठीक है, उसके साथ साथ अपने यहाँ एक R&D विंग बनाई गई है, ठीक है, उस R&D विंग का नाम है RDSO, क्या है, RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने क्या क्या, सरकार के कुछ इंटरवेंशन देख लेते हैं, सरकार क्या कोशिश कर रही है इसमें, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, सरकार क्या कर रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फ्रेट कॉरिडोर्स पे ध्यान दिया रहा, मेरे हमारे स्टूडियो से अभी थोड़ी दूर के पास से एक फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है दिल्ली टू चेन्नई, ठीक है, जबरदस्त तरीके से बना रहे हैं, मतलब दिल्ली से ही चलेगा और चेन्नई तक बिल्कुल ऊपर, नीचे कोई चक्कर नहीं है, सब ऊपर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, केवल माल गाड़ियां, फ्रेट कॉरिडोर का मतलब है माल गाड़ी चलेंगे, उस पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। भारत के अंदर क्या है, पैसेंजर्स के लिए भी और माल गाड़ी के लिए भी, फ्रेट के लिए भी, दोनों के लिए ही एक सिंगल रेल लाइन यूज की जाती है, एक सिंगल रूट होता है। अब कई बार क्या होता है कि माल गाड़ी गुजर रही है, पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन के चक्कर में माल गाड़ी खड़ी है, तो उससे क्या होता है, माल भी लेट पहुंचा और पैसेंजर भी लेट पहुंच रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर्स की शुरुआत हुई बच्चों, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब देखिए 4 फ्रेट इस पे काम हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी जो लंबाई है 2000 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, कलकत्ता से मुंबई के बीच में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई, इस पे काम चल रहा है, 2000 किलोमीटर लंबा है, ठीक। इसमें आपको क्या देखना है, सारों के अंदर कौन से की लंबाई देखनी है, कहां से कहां पे, किस नाम से बुलाया जाता है। दूसरा है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये आपका 2173 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, ये मेरे पास से गुजर रहा है जहां पे मैं रहता हूं, ठीक है, 2173 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, इतना ये इस लंबाई है, ठीक। उसके बाद ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये क्या है, 1200 किलोमीटर लंबा है, फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, ठीक है, खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में। और साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है बच्चों, ये 890 किलोमीटर है लॉन्ग फ्रॉम चेन्नई टू गोवा, चेन्नई से गोवा के बीच में है। तो ये आपको इसके अंदर क्या याद रखना, पहले तो ये नाम याद कर लीजिए किसकी कितनी लंबाई है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है आपको, कि बताइए इनमें से कौन सा फ्रेट कॉरिडोर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या बढ़ते हुए क्रम में, या घटते हुए क्रम में, इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग।
तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे जो लंबा है, सबसे लंबा है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दिल्ली से लेके चेन्नई के बीच में है, दिल्ली से चेन्नई तक जा रहा है सबसे लंबा। और सबसे जो छोटा है दैट इज साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो चेन्नई से लेके बच्चों गोवा तक, चेन्नई टू गोवा तक है। याद आएगा आपको, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, इसमें समझिएगा इट वॉज सेटअप इन 2017 2017 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ठीक, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इसका मेन मेन फंक्शन क्या है, नंबर है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज कमेंसुरेट विद कॉस्ट। भारत के अंदर क्या है, भारत में रेलवे का पिछड़ने का कारण क्या है कि पैसेंजर्स को जिस लेवल की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, उसके अगर कंपैरिजन करो, उसके कंपैरिजन में जो किराया है वो बहुत कम है, ठीक है। मतलब भारत के अंदर लोग चाहते हैं कि उनको फैसिलिटी भी पूरी मिले और पैसा ना मिले। नितिन गडकरी जी ने एक बात बोली थी, मैं एक बार सुन रहा था, इफ यू वांट सर्विसेज यू हैव टू पे इट। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी ट्रेन चाहिए तो आपको उस तरीके से पे करना पड़ेगा। भारत में क्या है कि पैसा देना ना पड़े और फैसिलिटी पूरी मिले। हम अच्छी सड़कें भी चाहते हैं और टोल टैक्स भी हमें ना देना पड़े, हम अच्छी ट्रेन भी चाहते हैं लेकिन हमें उसका किराया भी कम ना देना पड़े, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेशन बड़े सुंदर हों, ठीक है, ऐसे हों जैसे मकबल वाले हों, जैसे रशिया में है या फिर आपके अमेरिका में है, लेकिन हमें उसके बदले में क्या ना प्लेटफॉर्म टिकट थोड़ा बढ़ना जाए। सरकार ने 5 से 50 कर दिया तो हाहाकार मच गया, ठीक है, लेकिन आपको फैसिलिटी हमें पूरी चाहिए, ठीक है, फैसिलिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किराए के नाम पर सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये इसका मेन मकसद है प्राइसिंग ऑफ सर्विस कमेंसुरेट कॉस्ट, ठीक है, मतलब एडजस्ट करना कि जितनी आप प्राइस उसी तरीके से एडजस्ट करना जितनी रेलवे एक पर्टिकुलर एरिया पे कॉस्ट आ रही रेलवे की, उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस फिट करेंगे, ये इसका मेन मकसद है। सजेस्ट मेजर फॉर एनहांसमेंट ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू, ठीक है, मतलब किस तरीके से, एक तो आता है कि माल ढो रहा है, पैसेंजर जा रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन से और तरीके इन दोनों के अलावा कि रेलवे कमाई कर सके। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को टॉप पे रखना है, ये इसका उद्देश्य है, बाय एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इसके मोटे मोटे क्या उद्देश्य है, एक तो ये चाहता है जो आपका रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसकी 2017 में शुरुआत हुई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसका मेन उद्देश्य ये है कि एक तो क्या हो कि जिस तरीके की सर्विस है उस तरीके का किराया लिया जाए, दूसरा ट्रैफिक पैसेंजर के अलावा जो पैसेंजर को ढोते हैं ट्रेन जो इधर से उधर लेके जाती है ना, उसके अलावा दूसरा जो फेयर जो फ्रेट कॉरिडोर फ्रेट जो माल ढोता उसके अलावा किस तरीके से आप और रेलवे अट्रैक्ट कर सकता है, कमाई कर सकता है, तो उसके जैसे मार्केटिंग करता है। आजकल देखें ट्रेन के ऊपर बैनर लगे होते हैं पर्टिकुलर कंपनीज के, ठीक है, उनका ऐड करती हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक, तो इसकी बात की नॉन फेयर रेवेन्यू की सजेस्ट करता है कि किस तरीके से कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। दूसरा क्वालिटी सर्विस की ये बात करता है। नेक्स्ट इज द आदर्श स्टेशन स्कीम रेलवे के लिए, इसके अंदर आदर्श स्टेशन स्कीम के अंदर क्या है, मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन 1253 1253 रेलवे स्टेशन हैव बीन टेकन अप, यानी कि आपके जो आदर्श स्टेशन स्कीम है इसके अंदर 1253 रेलवे स्टेशन को बच्चों अपग्रेड करने की बात की गई है, मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है। जैसे आप लोग बहुत से, अगर आप में से कोई गया हो तो जैसे वैष्णो देवी जाते हैं वहां पे कटरा के अंदर आपने स्टेशन देखा होगा, तो वो जो स्टेशन है वो इसी के अंदर आ रहा है आदर्श स्टेशन स्कीम के। देख रहे हैं आप कितना मॉडर्नाइजेशन किया है, गुजरात में कई सारे किए गए, मुंबई में कुछ किए गए हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत 1253 रेलवे स्टेशन को क्या किया गया, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन की बात की गई है कि आपको वाईफाई प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब हाइजीन, एक तरीके का हाइजीन बेस को ध्यान में रख के जो स्टेशन को अपग्रेड करने की बात की गई है। मिशन 41 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन 41 की क्या है, इट एम्स टू सेव 41,000 करोड़ इन नेक्स्ट डिकेड्स इन द रेलवे एनर्जी कॉस्ट थ्रू द फॉलोइंग मैनेजमेंट, यानी कि आने वाले क्या करें कुछ सालों में यानी 10 साल के अंदर लगभग रेलवे के 41,000 करोड़ सेव करने। अब रेलवे क्या है,
सब बेसिकली आजकल सारे के सारे जितने भी लोकोमोटिव से जो इंजन है वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं, सब विद्युत से चलते हैं, ठीक है, सब विद्युत इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है। तो उससे क्या होता है, काफी भाई आप जो बिजली आप लोगे तो उसका चार्ज देना पड़ेगा रेलवे को। तो रेलवे चाहता है कि आने वाले 10 साल में लगभग 41,000 करोड़ सेव करें। कितने? 41,000 करोड़ बचाएं, और उसको 41,000 करोड़ बढ़ाने के क्या तरीके हैं? नंबर एक, ऑल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स टू बी डबल्ड टू बी अनेबल चेंजिंग द एनर्जी मिक्स टू इंडियन रेलवे। दूसरा क्या किया गया, इंडियन रेलवे हैज सेट ए टारगेट ऑफ 1000 मेगावाट्स ऑफ सोलर पावर एंड 200 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी। देखिए मतलब 41,000 करोड़ रेलवे चाहती है किसी भी तरीके से 41,000 करोड़ हमारे बच जाए आने वाले 10 सालों में। तो उसके लिए क्या करना है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी रेलवे के अंदर, वो जिससे कम से कम हम क्या करें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। पहले क्या था, आप देखते होंगे रेलवे के अंदर बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स थी, तो उन ट्यूबलाइट्स को रिप्लेस किया गया इन द फॉर्म ऑफ एलईडी। ठीक, उसके अलावा रेलवे चाहता है कि रेलवे ने जो टारगेट रखा है, इंडियन रेलवे हैज सेट ए टारगेट ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। ठीक है, जो सोलर के थ्रू, जो फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू, सोलर इज नथिंग, इट इज ए फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक, इन फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यानी फोटोन्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, फोटोन्स को जो सोर्स से हमारे पास जो रोशनी आती है, एनर्जी आती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स आता है, तो इस फोटोन्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में थ्रू दी सेल्स। ठीक है, इन सेल्स के द्वारा जिनको बोलते हैं सोलर सेल, तो उन सोलर सेल के द्वारा क्या 1000 मेगावाट एनर्जी क्रिएट करने का इनका टारगेट है, और 200 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी, और जो किससे, विंड से यानी हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है उसका टारगेट है 200 मेगावाट। अब देखते हैं ट्रेन दौड़ती है, तो ट्रेन दौड़ने से क्या होगा, वो फैन लगा देंगे और फैन घूमेंगे तो उसे टर्बाइन रोटेट करेंगे। ठीक है, वहां से बनाएंगे। दूसरा क्या, जो रूफ टॉप मैंने आपको बताया था, एक रूफ टॉप जिक्र किया था आपको जो सोलर का, तो यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन की छतों के ऊपर पूरा सोलर सेल लगा दी जाएंगे, फोटोवोल्टिक सेल लगा दी जाएंगे, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द, इसमें वो कन्वर्ट करेगी किसके अंदर, आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। नेक्स्ट इज द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने बड़ा शोर मचाया इस पे। ठीक है, चलिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में सुन लेते हैं। ये क्या है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विल बी इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन। ठीक है, किस किसके बीच में आ रही है बुलेट ट्रेन, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, जिसके लिए आपने देखा होगा अभी जापान से लगभग 0.1% के इंटरेस्ट रेट से हमें लोन दिया है जापान ने, प्लस अपनी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो बुलेट ट्रेन चलेगी हमारी, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, वो कंप्लीटली जापान की टेक्नोलॉजी पे और जापान के द्वारा दिए गए पैसे पर ही ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जा रही है। ठीक है बच्चों, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन एंड विल बी कंप्लीटेड बाय 2023। मतलब 2023 तक इसका लक्ष्य है इसको पूरा करने का। ठीक है, द कॉरिडोर विल यूज जापान रेलवे शिंकशन्स E5 सीरीज एट इट्स रोलिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब ये कॉरिडोर, मतलब इसको बोला गया अंदर, ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करेगा जापान रेलवे शिंकशन्स E5 सीरीज। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर। बस आपको बुलेट ट्रेन में ये राय रखना है कि नंबर एक, पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा पूरा पूर्ण रूप से जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 0.1% की इंटरेस्ट रेट से हमें लोन दिया जापान ने, प्लस जो हमें बच्चों क्या मिला है कि जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी, फर्स्ट कॉरिडोर है, फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट RSB1 फॉर 10% डिस्काउंट इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और जो लोग नए हैं दे कैन ज्वाइन विद मी विद माई टेलीग्राम, दैट इज Rahul_Economics। आपको यहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और राइट डाउन प्लीज जो मैं बोलूं, जैसे मैंने आपको आज बोला, आपको एक तो मैंने बोला लॉजिस्टिक वाला ना,
लॉजिस्टिक वाला बोला उस पर राइट डाउन, उस पर लिखिएगा और 100 वर्ड, और आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से फेवर में और अपोज में, आपको फेवर में भी आप 100 वर्ड लिखिए और अपोज में भी आप 100 वर्ड लिखिए, और लिखेगा कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। पहले इसका तरीका यह है कि पढ़िए, कम से कम आधा घंटा पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करने चाहिए, फिर उसको दो तीन जगह से पढ़िए, ना कि एक ही किसी जगह से, गूगल से पढ़िए या किसी वेबसाइट से मिल रहा है वहां से मिलिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स मिल रहा है, इंडियन रेलवे की साइट पर जाके आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है इंडियन रेलवे ने कुछ बताया हो, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद जब आप सारा पढ़ लें तो फिर आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, इन द फेवर 100 वर्ड्स और अपोज में भी 100 वर्ड्स, और लॉजिस्टिक वाला जो मैंने बताया, लॉजिस्टिक पार्क पे जिस सरकार काम कर रही है, क्योंकि उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब उसमें आप बढ़ोतरी कर पाएंगे अगर यहाँ पे लॉजिस्टिक इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स जो पार्क बन रहे हैं, तो इन पे आप तीनों पे मैं चाहूंगा कि 100 वर्ड्स, 300 वर्ड्स कोई मुश्किल नहीं है, आप लिखेंगे। चलिए पीडीएफ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, पहले पूरा होना चाहिए, फिर मैं उसके बाद आई विल गिव यू द पीडीएफ। 8:45 PM में मिलते हैं आज, ठीक है। 8:45 पर, 8:45 पर जो आपका कल एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जो क्लास थी पार्ट नंबर 3 ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट की जो 8:35 पे क्लास थी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरे यहाँ वेदर थोड़ा गड़बड़ है बहुत ज्यादा, तो वेदर की वजह से वो इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ और क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाया, मोस्ट ऑफ 35 मिनट्स की ही क्लास हुई, ठीक है। तो मैं आपको आज कह रहा हूँ उस क्लास को भी कंटिन्यू कराऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद हाई यील्डिंग एमसीक्यू हम लेंगे आज वहां पर, ठीक है, द रिलेटेड टू द आपका फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। तो 8:45 पे मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मुस्कुराते।